हाँ जी नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। ज्योतिष के संसार में योगों की गणना करें तो जितने आकाश में तारे हैं उतने ज्योतिष में योग बनते हैं। उन्हीं योगों में से कुछ चमकदार योग हैं जो अपने योग की वजह से, अपने युति की वजह से, स्थान की वजह से संसार में प्रकाश बिखेर देते हैं, संसार को चकाचौंध कर देते हैं। तो उन्हीं योगों में से एक योग है विपरीत राजयोग। शब्द क्या है? विपरीत राजयोग। राजयोग तो है लेकिन जन्म उसका होता है विपरीत परिस्थितियों में, अनुकूल परिस्थितियों में नहीं होता। तो आज हम एक ऐसी कुंडली पर चर्चा करेंगे जिनके कुंडली में विपरीत राजयोग बना हुआ है। विपरीत राजयोग ने उन्हें जमीन से आसमान तक का सफर कराया, बोलते हैं ना फर्श से अर्श तक का सफर। तो वो है भारत सरकार में, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे स्वाति सिंह। 1978 में इन्होंने रांची में जन्म लिया और रांची से फिर लखनऊ तक का सफर जो रहा वो अपने आप में अद्भुत रहा। मीन लगन की कुंडली बनेगी, गुरु चंद्र गुरु उच्च के बनेंगे, चंद्रमा के साथ गज के श्री योग में बैठेंगे, शनि पंचम भाव में जाएंगे तो शनि एक विपरीत राजयोग देंगे क्योंकि द्वादश के स्वामी शनि खष्टम भाव में जा रहे हैं, विपरीत राजयोग देंगे। लेकिन शनि यहाँ पे दो घरों के स्वामी हैं, लाभेश भी है और व्ययेश भी हैं। और नियमावली ये कहती है, विपरीत राजयोग की नियमावली ये कहती है कि 6-8-12 के स्वामी 6-8-12 में बैठे हों तो विपरीत राजयोग बनता है, विपरीत राजयोग फलित होता है। अब यहाँ पे देखें तो विपरीत राजयोग में सूर्यदेव खष्टम के स्वामियों के अष्टम में बैठे हैं, परफेक्ट विपरीत राजयोग। ये विपरीत राजयोग, इसको विपरीत क्यों कहा गया? देखिए एक होता है ना अनुकूल कार्य करते रहना, कुछ लोगों को सही पथ मिलता है, सही रास्ते मिलते हैं और उसी रास्ते से आगे वो बढ़ते हुए निकल जाते हैं। कुछ लोगों को सही रास्ता नहीं मिलता, रास्ते रास्ते पर उनकी रुकावट आती है, उनको परेशान किया जाता है और उनको परिस्थितियां इस तरह तोड़ देती हैं कि वो शॉर्टकट अपनाना शुरू करते हैं। जैसे किसी के पास लाइसेंस नहीं है, वो शॉर्टकट अपनाता है, एक दिन पकड़ा जाता है, दो दिन पकड़ा जाता है, उसके बाद फिर उसको शॉर्टकट पता हो जाता है, फिर वो कोई पकड़ा ही नहीं जाता, वो ट्रैफिक रूल की धज्जियां उड़ा देता है। रेड लाइन रहे चाहे ब्लू लाइन रहे चाहे ग्रीन लाइन रहे, उसको जाना है तो जाना है, वो ट्रैफिक पुलिस का ट्रैफिक हवलदार का ध्यान ही नहीं देता। उसको पता है, पहले सेटिंग कर रखा है, पूरा ऊपर से नीचे तक सेटिंग कर लेते हैं लोग। तो परिस्थितियां इनको ऐसे गढ़ती हैं, ऐसे इनको तपाती हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी ये अपने आप को अनुकूल कर लेते हैं। जैसे गांव में देखें या आपके आसपास में जो बड़े कुख्यात डॉन होते हैं, पहले क्या करते हैं, घर से ज्यादातर ये लोग परेशान होते हैं, सपोर्ट लोग नहीं करते, समाज इनको जो है प्रताड़ित करता है, प्रताड़ना से ऐसे कि फिर वो धीरे धीरे उस रास्ते पर जाते हैं और एक दिन धीरे से डॉन बन जाते हैं। धीरे से मतलब संघर्ष करके डॉन बनते हैं। तो विपरीत राजयोग का जलवा ही ऐसा है, विपरीत परिस्थितियों में व्यक्ति को निखार कर खड़ा कर देता है। अब स्वाति सिंह की बात करें तो 2017 में क्या हुआ, क्या नाम था, नसीमुद्दीन कुछ नाम था, मायावती सरकार के एक मंत्री थे, तो उन्होंने बड़ी अभद्र टिप्पणी इनके ऊपर की, इनके पति के ऊपर और इनके बेटी के ऊपर। उसी को लेके जब परिस्थितियां इनके विपरीत हुई, देखिए पति चला गया जेल में, उसके पश्चात इनके ऊपर अभद्र टिप्पणी, इसके इनके बेटी के ऊपर अभद्र टिप्पणी, तो परिस्थितियां इनको एकदम तोड़ने लगी। जब टूटती हुई परिस्थितियों में विपरीत राजयोग कन्वर्ट हुआ, विपरीत राजयोग का उसी समय समय आया। अगर वह समय सूर्य की दशा का ना होता तो ये परिणाम ना मिलता, लेकिन परमात्मा जब विधान बनाता है तो हर चीजों को सेट करके रखता है, उसके विधान के आगे किसी का विधान नहीं चलता। तो चूंकि इनकी कुंडली में विपरीत राजयोग फलित होना था इसलिए ऐसी परिस्थितियां बनी। अब इन्होंने ताल ठोक दिया कि हम मायावती के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, चाहे जहां से मायावती लड़ रहे, यही जो इनका डायलॉग था चर्चा का केंद्र बिंदु बन गया, इनको चर्चित कर दिया। अब सूर्य खष्टम भाव का स्वामी हो कि अष्टम भाव में बैठा हुआ है, विपरीत राजयोग कन्वर्ट करेगा, विपरीत राजयोग देगा, अब शत्रुओं से लाभ मिलेगा। जितना इनके खिलाफ अब शब्द का प्रयोग किया गया उतना ही स्वाति सिंह कौन है ये दुनिया जान गई, नहीं तो स्वाति सिंह को कोई ना जानता। ये हाउसवाइफ रहती, किचन संभालती, हस्बैंड को संभालती, बच्चों को संभालती,
लेकिन शत्रुओं ने इतना परेशान कर दिया कि वो अंदर से लावा फूट के ऊपर निकल आया और विपरीत राजयोग परिवर्तित कर दिया। तो यह विपरीत राजयोग जो 2016 में स्टार्ट हुआ, 2017 में इन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा, विधानसभा चुनाव में जीते, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बने, महिला जो प्रकोष्ठ था उसका अध्यक्ष बनी, और आज की परिस्थिति में जब सूर्य की दशा समाप्त हो रही है, सूर्य की दशा समाप्त हो रही है क्योंकि राजयोग था, विपरीत राजयोग था, विपरीत परिस्थितियों में बना था, तो ये राजयोग जाते जाते सब कुछ आपको देख जाएगा, लेकिन जाते जाते धीरे से समेट मिलेगा क्योंकि अनंत काल के लिए राजयोग नहीं है। यही राजयोग जब गुरु बनाता केंद्र स्थान का, त्रिकोण स्थान का, तो अनंत राजयोग चलता है, वो जीवन पर्यंत चलता है। विपरीत राजयोग में परेशानी ये भी होती है कि वो एक ऊंचाई तक ले जाता है, उसके बाद छोड़ देता है, और ग्रह अगर आपके सपोर्ट करते हैं तो आप वहां से गिरते गिरते धीरे से बीच में कहीं फंस जाएंगे, सपोर्ट नहीं करते तो धड़ाम से जमीन पर गिराएंगे। तो क्या स्वाति सिंह अब समाप्त हो जाएंगी? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी इनके कुंडली में जो चंद्रमा का अंतर चल, चंद्रमा की महादशा चलेगी, वो इनको फिर से उठाएगी, प्रेम से उठाएगी, और जब शनि का अंतर चलेगा तो विपरीत राजयोग फिर कन्वर्ट होगा, फिर इनको कोई पद मिलेगा। अब इतनी ऊंचाई, सूर्य इतनी ऊंचाई जीवन में कोई नहीं देता, सूर्य इतना नेम फेम लाइफ में आपको कभी नहीं मिल सकता जितना सूर्य नेम फेम देता है। अब जब शनि आएगा तो शनि विपरीत राजयोग कन्वर्ट करेगा, विपरीत राजयोग देगा, कोई आपको पद दिया जा सकता है, कहीं पदाधिकारी बनाया जा सकता है, लेकिन इतना ऊंचाई नहीं प्राप्त कर सकते। तो ये कुंडली में ज्योतिष जगत में विपरीत राजयोग, यद्यपि विपरीत राजयोग पे एक वीडियो बनाना है उस पर बनाएंगे। आज हम ऐसे ही बैठे बैठे चर्चा कर रहे थे कि स्वाति सिंह की कुंडली में आखिर ऐसे कौन से ग्रह स्थिति थी जो उनको वहां से उठा के यहां तक लाई और यहां से उसने छोड़ दिया। तो विपरीत राजयोग जिसके भी कुंडली में कन्वर्ट होगा वह व्यक्ति 5 साल के लिए, 10 साल के लिए प्रधान बन सकता है, विधायक बन सकता है, सांसद बन सकता है, राज्यसभा का सदस्य बन सकता है, मंत्री पदत्व को प्राप्त कर सकता है। यह है विपरीत राजयोग का जलवा। यदि आपके भी कुंडली में विपरीत राजयोग बन रहा है तो सही समय कब होगा, वो योग कब कन्वर्ट हो रहा है, उस समय उसका लाभ उठाइए। अगर आपको जानकारी नहीं है तो दिए हुए नंबरों पर संपर्क करिए, आपको जानकारी प्रदान की जाएगी। आपके लिए राधे।